आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायनिया एल्बम। ये होम्योपैथिक की एक खास मेडिसिन है, बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। यह व्हाइट ब्रायनिया वाइट हॉप इसका दूसरा नाम है, कुकुरबिटेशिये फैमिली का आता है। ये मिडिल एंड साउथ एंड यूरोप में पाया जाता है। इसका फ्रेश रूट यूज किया जाता है। एक क्लाइंबिंग हर्ब है, लत्तर वाली प्लांट है। अब ब्रायनिया पेशेंट को पहचानेंगे कैसे? ब्रायनिया पेशेंट भी रूमेटिक एंड गाउटिक डायथिसिस प्रोन टू कोल्ड बाइलियस अटैक, पित्तज पित्त का अटैक टाइप का, एसिडिटिक टाइप का रहेगा। लेकिन ऑल पेशेंट्स आर गाउटी एंड रूमेटिक डायथिसिस का बैकग्राउंड रहेगा। जॉइंट पेन लेके आता है तो हम इसके बारे में सोचेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन दिखने में कैसे होगा? वो ब्रायनिया पेशेंट बहुत इरिटेबल, इंक्लाइन, रेनमेन एंड एंग्री। ब्रायनिया पेशेंट बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं। जितने सांवलापन रहता है, सांवले पेशेंट जो आते हैं, डार्क स्किन वाले जितने आते हैं, मैक्सिमम उसमें ब्रायनिया के लक्षण रहते हैं। डार्क और ब्लैक हेयर, डार्क कॉम्प्लेक्शन और मस्कुलर फाइबर, मसल से अच्छे हृष्ट पृष्ट रहेंगे। ड्राई नर्वसनेस रहेगा, स्लेंडर पीपल, दुबले पतले लोग। मेंटली कैसे होते हैं? पहले बताया इरिटेबिलिटी एंड एंगर। एलिमेंट फ्रॉम चार्जिंग, मॉर्टिफिकेशन, एंगर, वायलेंस विथ चिलीनेस एंड कोल्डनेस आफ्टर एंगर, चिली बट विथ हेड हॉट एंड फेस रेड। हेड हॉट फेस रेड, हेड हॉट फेस रेड, इसको पहचानने का तरीका है। ये स्टेपिस के एरिया, कोलोसिन और एम्बेक के नियरेस्ट है। दूसरा डिलीरियम, चिल्लाने वाला है पूरा, और टॉक कॉन्स्टेंटली अबाउट हिज बिजनेस, हमेशा बिजनेस के बारे में बात करेगा कि मेरा बिजनेस का क्या होगा, ऐसा है, मेरा ये बिजनेस है, मेरा वो बिजनेस है, उसी के बारे में बोलते रहेगा। इंडस्ट्रियस, इसके बाद में आऊंगा मैं, पहले आप इसको ये कर लो, जनरल एलन का एक नोट कर लो। सेकेंडली डिजायर्स थिंग इमीडिएटली विच कांट बी हैड और विच व्हेन ऑफर्ड आर रिफ्यूज, उसको सब कुछ तुरंत चाहिए, सब कुछ तुरंत चाहिए। ऐसा चीजों का डिमांड रहेगा कि जो मिल नहीं सकता है, ऐसा चीजों का डिमांड रहेगा जो उसको मिल नहीं सकेगा, उसी चीज का निर्भर। लेकिन परंतु इसको देने के बाद में वो रिफ्यूज कर देगा, मना कर देगा। बच्चे डिसलाइक टू कैरेट, डिसलाइक टू कैरेट, बच्चा गोदी में रहना नहीं चाहेगा और उसको उछालना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको उछालना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिजिकल जनरल, इसकी कंप्लेन ठंडी से, ठंडी के दिन खत्म होके गर्म के दिन में प्रवेश करता है। मैंने उसको देखा, इस साइड लेफ्ट साइड ठंडी है, इधर साइड गर्मी है। कंप्लेन वेयर वार्म वेदर सेट्स इन आफ्टर कोल्ड डेज, ठंडी के दिनों चले जाने के बाद में जो वार्म वेदर आता है वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स और आइस इज हॉट वेदर आफ्टर टेकिंग कोल्ड और गेटिंग हॉट इन समर फ्रॉम चिलिंग वेन ओवरहेड फिटेड किक्स द कवर्स ऑफ, मैंने ऊपर का बिछौना पूरा वो फेंक देगा फॉर एक्सपोजर टू ड्राफ्ट, मैंने गर्म हवा के लिए, ठंडा हवा से अगर होता है तो 1.8%। उसके बाद में इसमें है सप्रेस डिस्चार्ज ऑफ मेल मेंस एंड मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क अगर
सप्रेस्ड है, कोई भी इरेप्शन, जनते जमा बोलते हैं इरेप्शन जो होता है, अगर सप्रेस्ड है उसके बाद की जो कंप्लेन है उसके लिए ब्रैनिया। इसके दर्द कैसे होंगे, ब्रैनिया पेशेंट का दर्द कैसा होगा, चुभन रहेगा, स्टिचिंग पेन जो पल्स्टिला में भी है, फाड़ने की तरह दर्द फट जाएगा, नाइट को रात को वो बढ़ जाता है, हिलने डुलने से खांसी बढ़ जाती है, हिलने डुलने से उसकी खांसी बढ़ जाता है, आराम से वो ठीक रहता है, और दर्द वाले दर्द जहां हो रहा पेन उसके ऊपर अगर प्रेशर देकर के लेटता है तो उसे आराम मिलता है। ब्रैनिया पेशेंट का मेन है पेन जिस एरिया हो रहा है उस तरह अगर सोने से उसको आराम मिलता है, दैट इज ब्रैनिया। स्टिचिंग पेन सुई की तरह पेन और उसके उल्टा है काली कार। एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द इंटायर बॉडी, पूरे सिर से लेके पैर तक का उसका ड्राइनेस रहेगा, लिप्स एंड टंग ड्राई, जीभ ड्राई से पूरा फट जाएंगे, पार्च क्रैक्ड स्टूल ड्राई, ब्रंट जैसे जलन, इतना स्टूल ड्राई रहता है कि उसको जलन स्टार्ट हो जाता है, कफ भी ड्राई होगा, हार्ट रैकिंग विद स्कैंटिंग एक्सट्रिएशन, यूरिन डार्क एंड स्कैंटी, ग्रेट थर्स्ट, पानी प्यास, काफी मात्रा में पानी पीता है ब्रैनिया पेशेंट, लॉन्ग इंटरवल से लिप्स उसके ड्राई हो गए हैं, यूरिन एकदम डार्क हो रहा है, जीभ पूरे फटे फटे दिखेंगे, तो समझना ये ब्रैनिया। इसका एक बहुत पिकुलियर एंड बहुत जानदार सिम्टम्स है, वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रैनिया, ब्रैनिया का पहचानने का है एग्रवेशन फ्रॉम मोशन, एग्रवेशन फ्रॉम मोशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग रिलीफ फ्रॉम द एब्सोल्यूट रेस्ट, अगर रेस्ट में चला जाता है तो सारे प्रॉब्लम उसका ठीक हो जाता है, आइदर मेंटल हो आइदर फिजिकल हो, ग्रेट थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ लॉन्ग इंटरवल, लंबे अंतराल से बड़ी मात्रा में पानी पीना और प्यास लेना। हेड सीधर हेडेक व्हेन स्टॉपिंग एज ए ब्रेन वुड ब्रस्ट थ्रू फोरहेड, फोरहेड से ब्रस्ट होके निकल जाएगा, इतना जोर का हेडेक होता है। सीधर इसका क्या होगा, झुकते समय बेंडिंग फॉरवर्ड्स उसको हेडेक हेडेक ज्यादा होगा, और जब आयरन कर रहा होगा ठंडे के दिनों में सब जो आयरन कर रहा है उसकी हीट से उसका सिरदर्द ज्यादा हो जाएगा। कितने कंप्लेन आएंगे, मैं आयरन जब करती हूं मेरे को सिरदर्द बढ़ जाता है, उसके हीट से वो जल्दी बढ़ जाता है, एंड उसका मेन यूजुअली इंक्रीजिंग अंटिल द इवनिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के कारण भी उसका अगर हेडेक हो रहा है देन वी थिंक द इसके गैस्ट्रिक कैसे होंगे, ब्रैनिया इज वेरी यूजफुल इन गैस्ट्रिक, पेशेंट कैन नॉट सिट अप फ्रॉम नौशिया एंड फेंटनेस, रोगी उल्टी के कारण वो बेहोश हो जाता है, उल्टी के कारण, उल्टी और ज्यादा होने के कारण वो फेंट हो जाएगा। इसके छाती में प्रेशर एज इज फ्रॉम स्टोन एट पिट ऑफ द स्टोमक रिलीव्ड बाय इरप्शन, इरप्शन माने ढकार आने से उसको रिलीफ मिलेगा, ठीक छाती के जहां गड्ढा है यहां पर अगर चुने से उसको मालूम पड़े पत्थर टाइप का कुछ है, लेकिन जब ढकार आएगा उसको रिलीफ मिलेगा। इसके दस्त स्टूल लार्ज होंगे, हार्ड होगा, डार्क होगा, ड्राई होगा, एज इफ बर्न मतलब जैसे जल गया हो, ऑन गोइंग टू सी, अगर सी में जा रहा है तो भी उसको इस तरह के स्टूल हार्ड हो जाएंगे, अगर समुद्र एरिया में ट्रेवल कर रहा है तो ठीक है।
समर डायरिया के लिए काफी फेमस है ये। डायरिया ड्यूरिंग दी स्पेल ऑफ हॉट वेदर, माइलियस एक्टिव विद सॉर्नेस ऑफ एनस लाइक डर्टी वाटर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक वेन ओवर हीटेड फ्रॉम फूड्स और शावर नॉट, एग्रावेशन इन मॉर्निंग ऑन मूविंग इवन ए हैंड और फूड। गर्म के मौसम के अंदर पतले दस्त होना, एसिडिटी, एनएस रीजन में दर्द, एकदम पूरे गंदे पानी की तरह, और हमेशा देखोगे जिस जो हाथ और पैर हिलता रहता है ना, दैट इज ब्राइनिया पेशेंट। वो हमेशा पैर को हिलाते रहेगा, हाथ को भी हिलाते रहेगा, उसको हिलाने से कंफर्ट मिलता है। मैंने हिलने डुलने पर यहां तक कि एक हाथ पैर हिलाने की बीमारी बढ़ जाती है। फ्रूट पसंद है और सावर मतलब खट्टे पसंद है उसकी। इसका क्या है, ब्रेस्ट मामा हैवी और स्टोनी हार्डनेस पेल एंड बट हार्ड हॉट एंड पेनफुल मस्ट सपोर्टेड टू द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट को सपोर्ट करके रखे रहेगी, पकड़ के रखे रहेगी कि उसको हार्ड और कड़ा और पेन रहेगा। हाथ उसका ब्रेस्ट पर ही रहेगा, क्यों ब्रेस्ट पर रखिएगा, बोलेंगे ये हार्ड और दर्द दे रहा है, कड़ा है, दर्द है, थोड़ा बड़ा भी रहता है। विकेरियस मेंस्ट्रुएशन नोज ब्लीड्स व्हेन मेंसेस शुड अपीयर, हेवी ब्लीडिंग और मेंस के दौरान नोज ब्लीड करना और मुंह में खांसने से कफ में ब्लड आना। रेस्पिरेटरी सिस्टम खांसी, कफ इसका एकदम ड्राई है, स्पाजमोटिक विद गैगिंग एंड वॉमिटिंग विथ स्टिचेस इन द साइड ऑफ द चेस्ट विथ हेडेक एज इफ हेड विल फ्लाई टू पीसेस, मैंने हार्ट सिर दर्द ऐसा होगा खांसी के साथ कि मेरे हेड एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। खाना खाने के बाद में बढ़ जाना, ड्रिंकिंग इंटरिंग या वार्म रूम में अगर गर्म रूम में जाता है, और डीप इंस्पिरेशन खूब जोर से जब श्वास लेता है तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पैरों का एक्सट्रीमिटीज, कॉन्स्टेंट मोशन ऑफ द लेफ्ट आर्म एंड लेग, लेफ्ट बाएं हाथ और पैर का लगातार हिलते रहना। मोडेलिटीज, एग्रेवेशन फ्रॉम मोशन एक्जर्शन टच, कैनॉट सीट अप, गेट्स फेंट और सिक और बोथ वार्म वार्म फोल्ड सप्रेस डिस्चार्ज ऑफ एनी काइंड, एम्बुलेशन लेइंग स्पेशली ऑन द पेनफुल साइड में अगर उसको आराम मिलता है, प्रेशर से आराम मिलता है, रेस्ट कोल्ड ईटिंग एंड कोल्ड थिंग्स। रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री टू एल्यूमिना एंड रस्टस के आसपास है, सिमिलर टू बेलोना हिपर फॉर हेस्टी स्पीच एंड हेस्टी ड्रिंकिंग। रेनुकुलस बल्बस इज ए प्यूरिटिक और रूमेटिक पेन इन चेस्ट, पेटेला एकिंग हैवीनेस इन हेपेटिक रीजन लेइंग ऑन राइट साइड ग्रेटली लेइंग ऑन एग्रेवेशन फ्रॉम लेइंग ऑन लेफ्ट साइड। टर्निंग टू द लेफ्ट कॉजेस ड्रैगिंग सेंसेशन अफ्टर ब्राइनिया एल्यूमिना एंड कालिकार नक्समिका पस्तुरस रस्टक्स एंड सल्फर विल रिक्वायर्ड। थिंग्स टू रिमेंबर, ब्राइनिया इज ए बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन, फियर ऑफ पॉवर्टी, इरिटेबिलिटी, वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट एलोन, होम सिकनेस एकदम घर जाना चाहता है, एवर्स टू बी डिस्टर्ब, एफेक्ट द सीरियस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, वर्स फ्रॉम स्लाइट मोशन ड्राइनेस, एक्सट्रीमली थर्स्टी फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट इंटरफ्रेक्वेंट इंटरवेल, टंग कोटेड विथ व्हाइट और येलोइश ब्राउन एट सेंटर, इंजुरी ट्रॉमा स्प्रेन एंड फ्रैक्चर्स।
हाउ टू रिकॉग्नाइज द ब्रायनिया पेशेंट, ब्रायनिया पेशेंट है कैसे पहचानेंगे? हमेशा बिजनेस टॉक करेगा, बिजनेस टॉक ऑफ, इफ आई स्टॉप माई अटेंडिंग टू माई बिजनेस क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, फियर सफरिंग फ्रॉम, वो उसको डर लगेगा क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे को कैंसर है, इससे क्या होने वाला है, ठीक है। फियर पॉवर्टी, थिंकिंग ऑफ लूज ऑफ द डेज ऑपनी, मैंने अपने कमाने का लॉस ऑफ बिजनेस का हमेशा डर सताया रहेगा, समझ में आया? तो पूरा एकदम माइंड क्लियर कर लो, मैं पूछूंगा। मैं क्वाइट वॉन्ट्स टू बी रिमेन, चुपचाप शांत रहना पसंद करेगा, एक्सेप्ट दैट आई वॉन्ट टू रिमेन, मैं चुपचाप रहना चाहता हूं। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस बहुत ये टाइप का रहेगा लाइफ स्टाइल का, वो बोलेगा यार मेरे को देने बिना देखे आप दवाई मेरे को दे दो, मेरे को जल्दी जाना है, जल्दी मिलिए, वही बोलेगा। जैसे भी आएगा बोलेगा नहीं इतना डिटेल कराने की दरकार नहीं, मैं नहीं, मेरे को इमीडिएट आप दे दो तो अच्छा रहेगा। डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग, मैंने कोई भी उसको डिस्टर्ब करना नहीं मांगता, वो अकेला रहना चाहता है। रोते रहेगा, वीपिंग नर्वस ऑल द डे, दिन भर रोते रहेगा, क्यों? कि उसका ड्यू टू नर्वसनेस वो रोना चाहेगा। बहुत बात करता है, लोग क्वेश्चन ऑफ बिजनेस, लेकिन बात क्या चीज का करेगा? बिजनेस के बारे में करेगा। बात क्या चीज का करेगा? बिजनेस के बारे में बात करेगा। ड्रीम ऑफ बिजनेस, उसका सपना भी बिजनेस का आएगा। इंडस्ट्रियस, हमेशा बिजनेसमैन रहेगा, कोई इंडस्ट्री वाला रहेगा। वैसे अगर पेशेंट डायरेक्ट आता है तो वहां पर आपको सोचना है कि आप क्या काम करते हो, उससे आपको पता लगेगा। एवर्स, बहुत लालची, मैंने ये भी चाहिए वो भी चाहिए, चाहे मेडिसिन का पैसा देने में भी अगर कंजूसी कर रहा है तो लालची, मैंने एक और दे दो। ये ऐसे लोग होते हैं जो दो में चार फ्री है, चाहे एक में दो फ्री है, वैसे टाइप के वो लोग चाहते हैं। मिल्क चाहता है डिजायर, उसका सूप भी पसंद है। उसका मेन फीलिंग ऑफ द ब्रायनिया है कि मेरा लॉस हो जाएगा, फीलिंग लॉस, हमेशा मेरा लॉस हो जाएगा, उसका दिमाग में यही रहेगा। अच्छा शीतल, दो शब्द बोलो, क्या समझे हो, कैसे ब्रायनिया पेशेंट को पहचानोगे? बी फॉर ब्रायनिया एंड बी फॉर बिजनेसमैन, ऐसे याद रख सकते हैं इस चीज को। अगर वो बात करता है बिजनेस की कि मेरा लॉस हो जाएगा बिजनेस में, या फिर ऑलवेज बिजनेस की बातें करता रहता है वो। और सेकंड चीज, ब्रायनिया इज ब्राई एंड ड्राई, ऑल डिस्चार्ज उसके मतलब स्कैंडी रहेंगे, जैसे कि अगर टंग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगी और उसको पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। और स्टूल की अगर बात करें उसकी, तो बहुत ड्राई रहेगा, उसका स्टूल कॉन्स्टिपेटेड रहेगा और एज ए बर्न,